दोस्तों, अगर दुनिया में सबसे वफादार जानवर की बात की जाए तो उनमें सबसे पहले नाम आता है कुत्तों का ही आता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कुत्ते अपने मालिक के प्रति इतने वफादार होते हैं कि कई बार उनके लिए वह अपनी जान पर भी खेल जाते हैं। साथ ही यह खतरा महसूस होने पर किसी के भी जान ले सकते हैं। हम आज आपको दुनिया भर के ऐसे ही 10 खतरनाक डॉग ब्रीड्स के बारे में बताने जा रहे हैं जो इतने खतरनाक हैं कि इनमें से कई कुत्तों को पालने का बैन लग चुका है। पिटबुल। पिटबुल प्रजाति के कुत्ते सबसे खतरनाक और आक्रामक नस्ल के होते हैं। इसका वजन 16 से 30 किलो के बीच होता है। दुनिया भर के कई देशों ने इन कुत्तों पर रखने पर प्रतिबंध लगा दिया है। हालांकि अमेरिका सहित कई अन्य देशों में पिटबुल को आज भी पाला जाता है, लेकिन इनकी आक्रामकता को रोकने के लिए बेहद ट्रेनिंग जरूरत होती है। सन 2015 में सिर्फ अमेरिका में ही पिटबुल के हमले से 28 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। रॉटवेलर। इस प्रजाति के कुत्ते शक्तिशाली तो होते ही हैं, लेकिन साथ ही बहुत तेजी से किसी को काटने में माहिर भी होते हैं। साल 2014 में अमेरिका के रॉटवेलर के काटने से 3 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 1993 से 1996 के बीच अमेरिका में कुत्ते के काटने से कई लोगों की मौत हुई थी, जिनमें आधे से अधिक लोगों की मौत का जिम्मेदार रॉटवेलर था। यह 160 न्यूटन यानी 148 किलो के दबाव से किसी को काट सकता है। इसका वजन 35 से 48 किलो के बीच होता है। कई देशों में इसे पालने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जर्मन शेफर्ड। पुलिसिया कुत्ते के रूप में पहचान बना चुका जर्मन शेफर्ड दुनिया के 10 सबसे खतरनाक कुत्तों में से एक है। यह लोगों पर 108 किलो के दबाव से अटैक करता है, जिसके बाद बच पाना मुश्किल होता है। इसका वजन 30 से 40 किलो के बीच होता है। कई देशों में इसे पालने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। डॉबरमैन प्रिंसेस प्रजाति के कुत्ते भी पुलिसिया डॉग होते हैं, लेकिन अब आम लोगों भी इसे घरों में पालने लगे हैं। यह खतरनाक कुत्ता अजनबी लोगों को देखते ही आक्रामक हो जाता है, लेकिन अक्सर मालिकों को देखते ही शांत भी हो जाता है। इसके काटने से साल 2011 में एक महिला की मौत हो गई थी, लेकिन इसके बाद इसके काटने से जुड़ी कोई खबर नहीं आई। इसका वजन 35 से 45 किलो के बीच होता है। कई देशों में इसे पालने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। बुल मास्टिफ आक्रामक स्वभाव का कुत्ता होता है, जिसके पैर पर बहुत ही लंबे होते हैं। इस प्रजाति के कुत्तों का वजन 55 से 60 किलो के बीच होता है। साल 2014 में अमेरिका के न्यू जर्सी में इसके काटने से एक 13 साल के बच्चे की मौत हो गई थी। वहीं टेक्सास में भी इसके अटैक से एक बच्चे की मौत इसी साल हुई थी। इसका वजन 50 से 59 किलो के बीच होता है। हस्की। हस्की प्रजाति के कुत्ते खतरनाक होने के साथ साथ बेहद ही इंटेलिजेंट होते हैं। इन्हें स्लेज डॉग के रूप में भी जाना जाता है, जो बिना पहिए की गाड़ी को बर्फीले मैदानों में खींचने में माहिर होते हैं। यह जब आक्रामक मूड में होता है तब किसी की भी जान ले सकता है। इस प्रजाति के कुत्ते के कारण अमेरिका में 1979 से 1993 के बीच 15 लोगों की मौत हो चुकी है। इनका वजन 20 से 27 किलो के बीच होता है। मॉलाम्यूट। मॉलाम्यूट प्रजाति के कुत्ते उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। आकार में भेड़िए के समान दिखने वाला मॉलाम्यूट का वजन 34 से 39 किलो के बीच होता है। इस प्रजाति के कुत्ते इंटेलिजेंट होने के साथ ही एनर्जी और आक्रामक से भरे होते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास की स्टडी के अनुसार 1966 से 1980 के बीच इस कुत्ते के काटने से 5 लोगों की मौत हो चुकी है। इसका वजन 36 से 43 किलो के बीच होता है। वुल्फ हाइब्रिड। वुल्फ हाइब्रिड डॉग की कुछ प्रजातियां ऐसी है जो भेड़िया और कुत्ते के संक्रमण से बनी है। एक ऐसी प्रजाति वुल्फ हाइब्रिड है। अमेरिका में कई राज्यों में इस प्रजाति के कुत्ते को पालने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, क्योंकि यह किसी पर भी अटैक कर सकती हैं। आंकड़ों की मानो तो 1979 से लेकर 1998 के बीच इस प्रजाति के कुत्तों को काटने से अमेरिका में 14 लोगों की मौत हो चुकी है। इसका वजन 36 से 56 किलो के बीच होता है। बॉक्सर। बॉक्सर प्रजाति के शिकारी कुत्तों का वंशज कहा जाता है। ये अपने मजबूत जबड़े से किसी को भी अपना शिकार बना सकते हैं।
ये कुत्ते सुरक्षात्मक नस्ल के होते हैं। इनकी पहचान अड़ियाल कुत्तों के रूप में भी है। इनका वजन 30 से 32 किलो के बीच होता है। ग्रेट डैन। अगर इस प्रजाति के कुत्तों को सही तरीके से ट्रेनिंग दिया जाए तो ये सुरक्षा के लिहाज से बेहतरीन पालतू जानवर साबित हो सकते हैं, लेकिन ट्रेनिंग के अभाव में ये बेहद खतरनाक हो जाते हैं। इस कारण से इन्हें किलिंग मशीन के नाम से भी जाना जाता है। इनका वजन 54 से 90 किलो के बीच होता है। दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं इसमें से आपको सबसे खतरनाक कुत्ते कौन से लगे। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।